हाय गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो कैसे हैं आप सभी? सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो गाड़ी के वाइपर्स होते हैं, जब वो ख़राब होने लगे तो वो क्या लक्षण देते हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहला सिम्टम क्या होता है कि जो हमारा वाइपर होता है, जब हम इसे चलाते हैं तो इधर एक लाइन सी बनने आती है। यहाँ पर जब हम इसे चलाएँगे तो लाइन बनी आएगी, वही एक माइनस सिम्टम है जो इसमें आता है। तो हमें उससे बचने के लिए वाइपर से अगर हम मतलब तब नहीं डलवा सकें या किसी कारण वो हम नहीं डलवा रहे हों तो हमें क्या करना चाहिए, वाइपर को कम से कम यूज़ करना चाहिए जहाँ तक कि हो। और अगर यूज़ करना ही पड़े तो पहले क्या करना है, हमने इसका पानी चला लेना है थोड़ी देर। पानी चलाने के बाद फिर वाइपर चलाना है। पानी कैसे चलाना है, क्योंकि वाइपर तो साथ में ही चलता है ना पानी के, तो हमने क्या करना है, उसको थोड़ा सा करना है, जैसे ही पानी निकाले वैसे ही छोड़ देना है, हमें उसे चलने पर नहीं रखना है। तो जैसे ही वो थोड़ा पानी आ जाए ऊपर फिर उसको चलाना है। इससे क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। और ख़राब कैसे होते हैं हमारे वाइपर, ये जो हमारी यहाँ पे ये रबर है, ये जो रबर है, ये वाला रबर, ये जो क्या होता है, ये ख़राब हो जाता है या ये टूट जाता है, इसकी वजह से हमारा वाइपर जो है वो ख़राब हो जाता है। तो अगर इसे चेंज करवा लिया जाए जल्दी तो ठीक है, नहीं तो जो हमारा शीशा होता है वो भी धीरे धीरे ख़राब होने शुरू हो जाता है। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और जल्दी से जल्दी मेरे 1K सब्सक्राइबर करा दो। और मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।